एवरीवन, वेलकम टू फरहत किचन रेसिपी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायके में, आपके रिस्क में। आज हम नई रेसिपी लेके आए हैं चिकन के बिल्कुल अलग तरीके से, जिसे कहते हैं मसाला चिकन स्टू, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए हम चलते हैं। यहाँ पे तेल हमने गर्म कर दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे छोटी इलायची, दो लौंग और दो टुकड़े दालचीनी खड़े मसाले और तीन तेज पत्ते डालेंगे। इसके बाद हम प्याज डाल देंगे और प्याज डाल के उसे ब्राउन कर लेंगे। प्याज बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। प्याज हमारी हो गई है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बिल्कुल अलग तरीके से आज हम चिकन बनाने वाले हैं। इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में हम इसे कुछ देर भूंजेंगे और ये रेसिपी बहुत ही एक नए तरीके से बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, अगर आप इस चिकन को इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। इसको थोड़ी 5 मिनट हम ऐसे ही ऑयल में ही इसको भून लेंगे अच्छे से। पाँच मिनट हो गया हमारा, चिकन फ्राई हो गया है। अब इसमें अच्छे से हम अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे, जो बिल्कुल बारीक हमने नहीं पीसा हुआ है, कुछ मोटा ही मोटा हमें, देखिए देख सकते हैं आप, मोटा ही मोटा हमने पीसा हुआ है। अब इसको इसी में ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और नमक के साथ ही इसे अच्छे से हम पेस्ट के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही इसे हम भून लेंगे अच्छे से। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं ऑयल भी ये छोड़ दिया है किनारे किनारे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम अदरक, हरी मिर्च और प्याज का वो बारीक बारीक काट लिया है, ये देखिए बारीक बारीक काट लिया है हरी मिर्च, अदरक और प्याज, और इसको ऐसे ही कच्चा हम इसी में डाल देंगे और इसके साथ इसको भून देंगे अच्छे से। अगर आप इस तरीके से चिकन बनाएंगे तो आपको मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें बिल्कुल चिकन के अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको हम 5 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। अब इसको ऐसे ही हम प्याज के साथ भून लेंगे। ये प्याज के साथ भी अच्छे से भून गया है और इसमें भी ये ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला में हमने पीसा था जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग इलायची और थोड़ा सा मूंगफली का दाना, इन सबको मिक्सी में पीस के हमने पेस्ट बना लिया है। अब मसाला इसमें ऐड कर देंगे। कुछ मसाले हम पीसे हुए ऐड करेंगे, जैसे हुआ हमारा हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 लाल मिर्च। इसी के साथ हम इसे फिर से 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। लास्ट में इसमें पानी डालते वक्त हम इसमें कश्मीरी पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे कलर हमारा और प्यारा आ जाएगा। चिकन तो वैसे आपने कई तरीक़ों से बनाया होगा, खाया भी होगा, और अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। चिकन तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, इसकी बहुत सारी रेसिपियाँ आती हैं, बनाई जाती है ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से। ये रेसिपी जो हमने तैयार किया है ये मेरी खुद की अलग एक रेसिपी है जो हम अपने ही तरीके से बना रहे हैं, और ये रेसिपी अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और इसका स्वाद तो इतना अच्छा लगता है कि जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट तो आप भूल ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है,
और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा कलर आया हुआ है इसका। अब इसे हम 10 मिनट इसी में हल्के आँच में और भून लेंगे। यहाँ पे चिकन हमारा बहुत अच्छे से मसाले के साथ भी भून गया है और ये तेल भी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आप हल्की सी ग्रेवी लगाने के लिए थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं और इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे इसी पानी के साथ। बिल्कुल नए तरीके से हमारा मसाला चिकन स्टू तैयार है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब इसे हम गार्निश के लिए धनिया ऐड करेंगे इसमें, ऊपर से धनिया हम ऐड कर देंगे गार्निश के लिए। ये रेसिपी आप बताइएगा कैसी लगी हमारी रेसिपी आज के चिकन मसाला स्टू, बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी तरीके से बना हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के लिए। और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। Oh.